हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में कोर्ट के अंदर शूटआउट से हड़कंप मचा है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले सरेआम गैंग वॉर हुआ। इस शूटआउट में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हो गई है। कोर्ट रूम नंबर 207 में आज गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की पेशी थी। जज बैठे हुए थे, कोर्ट रूम के स्टाफ मौजूद थे, वकील का ड्रेस पहनकर दो शूटर पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही जितेंद्र गोगी अंदर लाया गया, फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावर शूटर को मार गिराया। कोर्ट रूम के अंदर जितेंद्र गोगी पर हमला होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और बदमाशों पर काउंटर फायर शुरू कर दिया। ये एनकाउंटर की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस के जवानों को गोली चलाते हुए आप देख सकते हैं, ये फायरिंग का जवाब दे रहे हैं उन दोनों हमलावरों का जिन्होंने जितेंद्र गोगी पर फायर किया। फायरिंग रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 207 में हुई, जहां मुकदमों की बहस होती है वहां गोलियां चलने लगी। हमलावर पहले से ही कोर्ट रूम में वकील का भेस बनाए बैठे हुए थे। जैसे ही गोगी कोर्ट रूम में पहुंचा, पहले से बैठे दोनों शूटर ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में जितेंद्र गोगी मारा गया। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर और अतुल भाटिया इस वक्त रोहिणी कोर्ट में मौजूद हैं। पल पल की डिटेल यहां हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अभय पराशर की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कोर्ट परिसर के अंदर कोर्ट रूम में बदमाश पहुंचते हैं और यहां पर वो फायरिंग कर देते हैं। जो एक गैंगस्टर था जितेंद्र गोगी, उसके ऊपर फायर करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हुए स्पेशल सेल की टीम जो है वो दोनों बदमाश, जिसमें एक का नाम राहुल एक का नाम मॉरिस है, उनके ऊपर फायर करती है, जिसमें दोनों बदमाशों की मौत हो जाती है और बदमाशों की गोली से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी, जिसे पेशी के लिए लाया जाता है, आप देख सकते हैं। फिलहाल पूरी तरीके से गहमा गहमी इस वक्त रोहिणी कोर्ट के अंदर है। असल में 1:15 बजे के आसपास की जानकारी बताई जा रही है कि जो बदमाश है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और जो सूत्र है स्पेशल सेल के, उनके मुताबिक कि स्पेशल सेल को ये टिप ऑफ होता है कि कुछ जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला कर सकते हैं और जो उनके राइवल गैंग के जो बदमाश हैं वो हमला कर सकते हैं, जिस वजह से अलग अलग स्पेशल सेल की टीम जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद होती है। जैसे ही जितेंद्र गोगी को कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाता है तो दो बदमाश जो हैं, जिसमें एक का नाम राहुल और एक का नाम मॉरिस है, वो वकील की ड्रेस पहन के अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचकर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों की मौत हो जाती है। जितेंद्र गोगी को भी अस्पताल में डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। किस तरीके का मंजर यहां पर होगा, कुछ वकील हैं जो कि उस कोर्ट के बाहर ही मौजूद थे। आपका क्या नाम है? शशि भूषण झा। शशि जी, कितने बजे की ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है, क्या जानकारी आप लोगों को मिली? क्योंकि विजुअल्स में दिख रहा है कि फायरिंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं। ये 12:45 के अराउंड का ये घटना है। उस समय कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी अकॉर्डिंग, और जैसा अभी डायक्स पे बैठे हुए थे, जैसा कि सुनने में आया कि जैसा भी डायक्स पे बैठे हुए थे एडिशनल सेशन जज गगनदीप जी, हाँ गगनदीप जी सेशन जज, वो भी बैठे थे साथ में। और जो जैसे ही वो मुलजिम को पेश किया है वहाँ पे, तो दो लोग जो वकील के ड्रेस में थे एक्चुअली, वो गन के साथ थे, उन्होंने उस पर फायर किया। तो पुलिस कार्रवाई में वो दोनों पुलिस ने उसको मारा है। तो इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि यहाँ पर अंदर हमला हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की कमी है, या अगर कोई वकील की ड्रेस पहन के आता है तो उसकी चेकिंग नहीं होती? एक्चुअली इस कोर्ट में जो कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हेनियस क्रिमिनल्स होते हैं, सीरियस क्रिमिनल होते हैं, उसको यहाँ पर पेश कराते हैं, उसके लिए कोई सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है।
और कोर्ट के अंदर भी जो वकील जाते हैं या फिर इवन जो जो एक्यूज वगैरह भी अपीयर होते हैं कोर्ट के अंदर, उनकी भी कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी चेक। अंदर ही थे जब ये पूरी फायरिंग हुई है, क्या में थे हम लोग कोर्ट के पास नहीं थे। कोर्ट के पास होते तो हम लोग इस टाइम में बात करने के लायक। फिलहाल यहाँ पर जो है तमाम जो सुरक्षा बल है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही, और ये कोई पहली वारदात नहीं है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर गोली चली हो या फिर चाकू से हमला हुआ हो। ये पूरी घटना की अगर हम बात करें, देख सकते हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अंदर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्पेशल सेल की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये पूरा मामला जो है 1:15 का है, जिसमें जितेंद्र गोगी जो है, जो कि एक बदमाश है और जेल में बंद था, उसे यहाँ पर पेशी के लिए लाया जाता है। और स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये टिप ऑफ होता है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है, और जैसे ही उसे कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, राहुल और मॉरिस नाम के दो बदमाश जो है वो वकील की ड्रेस पहन के अंदर पहुंचते हैं और जितेंद्र गोगी के ऊपर गोली चला देते हैं। जवाबी कार्रवाई में दोनों ही जो बदमाश हैं, राहुल और मॉरिस, उनकी मौत हो जाती है, और जो जितेंद्र गोगी जिसे पेश करने यहां पर लाया जाता है वो भी बदमाशों की गोली लगने से उसकी भी मौत हो गई है। फिलहाल तीन जो लोग हैं उनकी इसके अंदर मौत हो गई है। सुरक्षा यहां पर फिलहाल बढ़ा दी गई है, स्पेशल सेल की टीम जो है वो फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह की लापरवाही सुरक्षा में रोहिणी कोर्ट में बढ़ती जाती है कि कोई भी वकील की ड्रेस पहनकर अंदर पहुंच जाता है, और कोर्ट रूम के अंदर जहां सामने एडिशनल सेशन जज जो है गगनदीप वो बैठे होते हैं, और कार्रवाई के दौरान ही इस तरीके की घटना हो जाती है। ये अपने आप में ये बताती है कि किस तरीके से लापरवाही रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा में बढ़ती जाती है। कोर्ट रूम नंबर 207 जहां पर हियरिंग चल रही थी जितेंद्र गोगी की, जैसे ही वो वहां पहुंचा हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। अतुल भाटिया इस वक्त मौके पर मौजूद है। अतुल, क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट में, जरा अपडेट दीजिए और जरा तस्वीरें भी दिखाइए, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। बिल्कुल हुसैन, मैं इस समय आपको जो रोहिणी कोर्ट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि पुलिस जो है वो भारी संख्या में कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। जो भी शख्स अंदर जा रहा है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है। जिस तरीके से आज दोपहर लगभग 1 बजे ये पूरा शूटआउट इसी कोर्ट के रूम नंबर 207 जो कि गगनदीप सिंह जो कि कोर्ट है उसके अंदर 207 रूम नंबर के अंदर पूरा इंसिडेंट होता है। जो दोनों बदमाश थे, जो दोनों हमलावर थे, उनको यह बात पूरे तरीके से पता थी कि जो गोगी है उसकी पेशी आज कोर्ट के अंदर होनी है। लगभग 1 बजे के करीब जो गोगी है उसकी कोर्ट के अंदर पेशी होगी। ये जो दोनों बदमाश हैं ये वकील की वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी चेकिंग यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि अमूमन जो लोग वकील की वेशभूषा में यहाँ पर आते हैं उनको चेक नहीं किया जाता है, वकीलों की चेकिंग यहाँ पर नहीं होती है। दोनों तकरीबन 12:30 बजे जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है, 12:30 बजे ही कोर्ट रूम के अंदर यानी कि 207 रूम नंबर कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और बकायदा जो चेयर्स लगी हुई थी उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। कोई भी उनके ऊपर शक नहीं करता क्योंकि बकायदा उन्होंने वकीलों की वेशभूषा में थे, इसलिए उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाता। और यहां से आप देखेंगे जब गेट्स के अंदर से एंट्री होती है और आगे भी आप देखेंगे वहां पर भी पूरी चेकिंग है, लेकिन जो वकील होते हैं उनकी चेकिंग यहां पर नहीं होती है। इसी का फायदा दोनों हमलावर ने उठाया और इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो वकील की वेशभूषा में कोर्ट के अंदर जाएंगे तो उनको चेक नहीं किया जाएगा। रूम नंबर 207 के अंदर 12:30 के करीब वो जाकर बैठ जाते हैं और तकरीबन 1 या 1:05 के बीच में जब गोगी जितेंद्र गोगी की पेशी कोर्ट के अंदर होती है, बकायदा गार्ड के साथ वो आता है, काफी पुलिस बल जो है वो उसके साथ होता है। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर पहुंचता है उसी दौरान दोनों अपने पिस्टल निकालते हैं, अंधाधुंध फायरिंग जो है वो गोगी के ऊपर करते हैं। गोगी को 3 से 4 राउंड फायरिंग होती है उसके ऊपर, 3-4 गोलियां लगती है, गोगी तुरंत नीचे गिर जाता है। और जो पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी जो कि वीडियो में दिख रहा है, एकदम से जो जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से होती है, जो गार्ड वहां पर होती है जो गोगी को यहां पर पेश किया करने आई थी, जो स्पेशल सेल की टीम यहां और इस जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया जाता है। लेकिन देश की राजधानी की कोर्ट में इस तरह की घटना वाकई बड़े सवाल पैदा करती है, और वो भी कोर्ट रूम के अंदर जहां जज बैठते हैं, जहां हियरिंग होती है, वहां पहले से दोनों हमलावर मौजूद थे। और जैसे ही जितेंद्र गोगी पेशी के लिए वहां पहुंचा, हियरिंग के लिए वहां पहुंचा, ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग हुई और उसमें जितेंद्र गोगी जो है वो मारा गया, और उसके बाद दोनों हमलावरों को पुलिस ने मार गिराया है। अतुल हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।